श्री राधे श्याम भक्त शिरोमणि मीराबाई जी के मंदिर में हूँ, आइए आप भी दर्शन कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे बाबा बैठे हैं, ये आके सेवा आते हैं। बाबा जी बच्चों को राधे राधे कर दो। जय जय श्री राधे राधे। बाबा पहचान नहीं पाए, मैंने कहा ना अभी बाल कटवाए था, पहचाने दीपक। बाबा आप तो पहचान गए ना, अब पहचान गए। बड़ा प्यार है बाबा, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत मिलती है। छोटी सी कुटिया यहीं पे मीरा जी ने, बाबा 15 साल ना, मीरा 15 साल यहीं पर ही इसी कुटिया में बैठकर सारे पद जितने भी है ना यहीं लिखे गए हैं, यहीं तपस्या करी है। आइए मीरा जी की कुटिया भी दिखाता हूँ, आइए। चलिए पहले मानसिक भाव से मेरे साथ इस मंदिर की परिक्रमा कीजिए। श्री राधे जय हो, भक्त शिरोमणि मीरा भाई की जय, भक्त शिरोमणि मीरा भाई जी की जय। देखो भक्तों के पैर पकड़ लो, गोविंद अपने आप मिल जाएंगे, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये संतों की वाणी है। किसी भी भक्त को आदर्श मान लो, किसी भी संत को आदर्श मान लो, जो भी गोविंद घर को आदर्श मान लो, तब भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये है, इस कुटिया में रहती थी है ना बाबा, यहीं रहती थी। हाँ बाबा से इसलिए करवा रहा हूँ, मैंने वीडियो बना रहा, फिर भी इसी कुटिया में रहती थी। यहाँ बैठ के उन्होंने सारे पद लिखे हैं, 15 साल इसी कुटिया में इसी आंगन में रही हैं। और ये तब कहीं प्राचीन मंदिर है बाबा, करीब हो गए होंगे 500 वर्ष है ना, 500 वर्ष बाबा कह रहे हैं प्राचीन मंदिर है तब का। आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर प्राचीन है, बस जैसे ही आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर प्राचीन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही, एक बात बताता हूँ आपको, जब भी सुबह उठो ना, जैसे मैं उठता हूँ, सबसे पहले सभी साधु संत महात्मा को प्रणाम किया करो मन के भावों से। और जिसको आदर्श मानते हो, चाहे प्रेमानंद बाबा, चाहे राजेंद्र दास जी, जो से भी विनोद बाबा, जिसको भी आदर्श है, उनके चरणों में प्रणाम किया करो गुरु भाव, कि उन्हें गुरु मान के प्रणाम किया करो, संत मान के प्रणाम किया करो। और ये बोले करो सभी भगवत प्राप्त भक्तों को प्रणाम, मीरा भाई जी को प्रणाम, देवादास जी को प्रणाम, मतलब जो भी आपके आइडियल हैं, जो भी हैं, उनको प्रणाम किया करो। इससे भक्ति प्रबल होती है, भक्ति बढ़ती है। ये छोटे मोटे फार्मूले ना, छोटे छोटे फार्मूले संतों को प्रणाम करने से, भक्तों को प्रणाम करने से, मीराबाई जी को प्रणाम करने से, भक्त प्रहलाद जी को प्रणाम करने से, भक्त ध्रुव जी को प्रणाम करने से, भगवत प्राप्त संतों को प्रणाम करने से मन से ना विकारों का नाश होता है, हम एक कदम और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। ये संतों की वाणी है और मेरे अंदर बैठ जाती है। चलिए फिर आगे के दर्शन कराते हैं। ओए छोटा सा चश्मा नहीं, ऐसे अच्छा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री राधे श्याम।